हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ घर पर ही सीरियल एग कैसे बनाया जाता है। अगर आपका बेबी ने अभी खाने को स्टार्ट किया है तो उसे आफ्टरनून में या फिर कभी भी आप सीरियल एग खिलाते हो तो वो घर पर कैसे बनाया जाता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है उकड़ा चावल जो मैंने गाँव से लाया हुआ था। अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल रहेगा चावल तो वो यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर है नाचनी। नाचनी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है बेबी के लिए, तो यहाँ पे मैंने नाचनी लिया हुआ है। और यहाँ पे लिया हुआ है काजू बादाम, और ये है मिक्स दाल। मिक्स दाल भी 1 कप लिया हुआ है, आप चाहे तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान 1-1 कप लिया हुआ है। यहाँ पे ऐड किया है नाचनी, और यह डाल दिया है बादाम 1 कप, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है मिक्स दाल। मिक्स दाल में सारा दाल है, उड़द दाल, तुअर दाल, सब दाल मिक्स है, तो बहुत हेल्दी रहता है। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है उकड़ा चावल, और ये लिया है 1 कप काजू। तो इतने सारी चीज़ मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो अब इसमें मैं पानी में ऐड करके 1 से 2 बार अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि हम बच्चे को इसे खिला रहे हो तो मेक श्योर कि बहुत क्लीन रहना चाहिए। तो इसलिए मैं 2-3 बार इसे अच्छे से धो लूँगी, बहुत ही अच्छे से धो के फिर इसे बिछा दूँगी, सुखा दूँगी। जस्ट एक 10 से 15 मिनट्स तक सुखाना है, इसे ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा मॉइस्चर खींचने तक सुखाना है, क्योंकि हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में ये सारा चीज़ ऐड करके इसे फ्राई करके लूँगी। मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम में नहीं रखना है। इसका अलग सा स्मेल आएगा, खुशबू बहुत अच्छा आएगा हल्के से फ्राई होते ही, तो तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैं फ्राई करके ले रही हूँ, जब तक दाल का सब मॉइस्चर भी सूख ना जाए तो हम इसे फ्राई करके लेना है। आप सीरियल एग बाहर ख़रीदने जाते हो तो 300-500 रुपये तक का ख़रीदते हो, वही पैसे से आप ये सब खरीद के अगर आप घर पे बनाते हो तो बहुत ही बच्चे के लिए हेल्दी रहता है। और आपने खुद बनाया रहता है तो आपको भी श्योर रहता है कि ये बहुत हेल्दी है, और आपने बनाया तो क्लीन भी बना है, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैं इस तरह से फ्राई करके ले रही हूँ बहुत ही अच्छे से। ये हल्का सा क्रिस्पी टाइप भी हो जाएगा ताकि हमें पाउडर बनाने में बहुत ईजी हो जाए। ये फ्राई करने में थोड़ा टाइम जाता है क्योंकि इसमें हमें अच्छे से भिगा लिया था, तो थोड़ा सा टाइम जाता है फ्राई करने के लिए। ठीक है, आप 15-20 मिनट्स तक आराम से फ्राई करिएगा तो उससे अच्छे से पाउडर बन जाएगा। यहाँ पे मैंने फ्राई करके रेडी किया हुआ है। अब मैं इसे मिक्सी जार में ऐड करके लूँगी। यहाँ पे मैंने छोटा वाला मिक्सी जार लिया हुआ है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से पाउडर बन जाता है, तो सब एक साथ मत ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके इसका एक पाउडर बना के लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पाउडर बना के लिया हुआ है। या आप अगर 1-1 कप ले सकते हो या आप बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बेबीज़ के लिए सिर्फ 1 से 2 स्पून की ही ज़रूरत पड़ता है जब हम बनाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पाउडर बन के रेडी किया हुआ है, या आप कोई भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी बेबी को यूज़ करना होगा तब उस टाइम पे निकाल के पानी से या मिल्क से जो भी आप पिलाते रहोगे तो उसके साथ में इसे अच्छे से पका के फिर इसे हमें पिलाना है। तो यहाँ पे हमारा सेरेलेक पाउडर तो रेडी है। चलिए अब देखते हैं कि हम किस तरह से बनाएंगे सेरेलेक। तो यहाँ पे मैंने पानी के साथ इसे उबालने के लिए रख दिया है। मैं अच्छे से 10 से 15 मिनट तक उबाल दूँगी। टेंशन मत करिएगा अगर आप पानी ज़्यादा ऐड करते हो तो, क्योंकि हम इसमें नाचनी डाला हुआ है तो ये अपने आप ठीक होते जाएगा। तो आप जितना भी पानी डालो ये ठीक होने ही वाला है। तो इस तरह से उबालना है 15 मिनट्स तक। उसके बाद मैंने सर्व कर लिया है बेबी को खिलाने के लिए। ये ठीक हो गया है, तो इसी तरह से आप सर्व कर सकते हो। टेम्परेचर चेक करना है। अगर आपका बेबी अब भी खाने को स्टार्ट किया है तो मेक श्योर करिएगा कि एक बार फिर से इसे छान के फिर खिलाइएगा, क्योंकि बेबी से ऐसे अब भी स्टार्ट किया है तो उसे इसी कंसिस्टेंसी में खिलाना सही माना जाता है, क्योंकि अभी उसे एकदम थिक वाला कोई भी कंसिस्टेंसी खाने के इसमें नहीं रहता है। तो मैं इसे एक बार पानी ऐड करके और इसे अच्छी तरह से छान के लिया हुआ है
प्लीज़ इसे बनाना ट्राई करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।